पावन चिंतन धारा आश्रम द्वारा आयोजित बारहवें उत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके शुरू करेंगे मेरा आग्रह है हमारे मुख्य अतिथि श्री गुरु जी गुरु माँ जी से कि आप स्वामी जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करें शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदं मम बुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिनमोऽस्तु ते दीपज्योतिपरब्रह्मा दीपज्योतिजनार्दनः दीपो हरोतु मे पापं दीपज्योतिनमोऽस्तु ते कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए हम लोग गुरु वंदना करेंगे श्री गुरु जी की मधुर आवाज में आप सभी से आग्रह साथ जरूर दें हेलो 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 ध्यान मूलम गुरु जो गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुआ मूलम गुरु कृपा ब्रह्मा गुरुष् गुरुर्देहो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री श्रीगुरवे देव दया दो दीनन को शरणागत लो मेरे जीवन को भगवान की तो कार्यक्रम की शुरुआत इसी प्रकार से होती है ये हमारे यहाँ प्रथा है इसी तरी, तरीके से कार्यक्रम शुरू होते हैं अब सर्वप्रथम में माँ भारती के चरणों में प्रणाम करता हूँ स्वामी जी के चरणों में शीश चुकाता हूँ अपने गुरु गुरु जी गुरु माँ के चरणों में शीश चुकाता हूँ और बारवा ज्ञान उत्सव ऐसी क्या ख़ास बात है जिसे हम बारह वर्षों से मनाते आ रहे हैं आज उस ऐतिहासिक दिन को 11 सितंबर अठारह को उन सौ साल हो चुके हैं क्या खास बात है उस दिन की क्यों आज तक विश्व में भारतीयों द्वारा जिस भी देश में रह रहे हो इस दिन को कहीं ना कहीं माना जाता है क्या यह केवल उस पांच मिनट की स्पीच तक ही सीमित है जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, में स्वामी जी द्वारा दी गई थी क्या केवल ये व्याख्यान उन अमेरिके अमेरिकन भाइयों बहनों के लिए है कुछ तो खास बात ज़रूर है वो एक ऐसा दिन था जिस दिन एक मूवमेंट शुरू किया गया वो पांच मिनट गुरु महाराज रामकृष्ण परभंश जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी द्वारा एक मूवमेंट शुरू किया गया ऐसा मूवमेंट जहां भारत का ज्ञान भारत असली में केंद्र है विश्व भर के ज्ञान का जो शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाया था अंग्रेजों के गड़े गए परसेप्शन को तोड़ने का वो मूवमेंट था जब बताया गया कि भारत जो ज्ञान का केंद्र है उसमें ऐसा ऐसी क्या बात है क्या है उसकी नींव क्यों भारतीयों को कम आंका जा रहा है भारत विश्व में लोगों के सामने क्यों नहीं प्रचले लोगों के सामने पहुंच पा रहा है ये बात कहने हमारे दादा गुरुदेव स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो पिछले 12 वर्षों से लगातार आश्रम इस कार्यक्रम को कई कई आयोजनों में कई विषयों को लेकर आयोजित करता आ रहा है ये कार्यक्रम का स्तर बहुत बड़ा रहता है क्योंकि गाजियाबाद में धारा 144 लगी है इसलिए कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति आगे के मुकाबले थोड़ी कम है लेकिन आज भी हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब से कई हज़ारों लोग जुड़े हैं हमेशा की तरह हमारे बीच आज उपस्थित हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजनीतिक शास्त्र के चेयरमैन प्रोफेसर संगीत रागी जी जो आज गुरु श्री गुरु जी का साथ देंगे और बारहवें ज्ञान उत्सव पे उसकी क्या महत्ता है भारतीय सभ्यता और स्वामी विवेकानंद जी क्या परसेप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन का इस पे बातचीत रहेगी तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम वो लगभग पाँच मिनट की स्पीच जो स्वामी जी ने दी थी जिससे विश्व भर में भारत को का ज्ञान गूंज उठा था उसे सुनेंगे तो आप सब लोग जरूर सुनिए अक्षरशाह उन शब्दों को सुनिएगा It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people. Of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions. And all nations of the earth, I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the pursuit remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny i am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand zoroastrian nation i will quote to you brethren a few lines from a hymn which i remember to have repeated from my earliest boyhood which is Every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O oh Lord, the different paths which men take through different tendencies, whereas though they appear, crooked or straight, or lead to the present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form I reach him, all men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, by bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention, may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. कुछ ऐसे ही क्षण रहे होंगे वहाँ शिकागो में भी इन चंद शब्दों से ऐसा मूवमेंट खड़ा हुआ ये क्वेश्चन अभी भी मन में है सबके कि ऐसा क्या था क्या हुआ था अभी हम चलेंगे आगे कार्यक्रम की ओर उससे पहले हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर संगीत रागी जी के कौन हैं वो उन्होंने इतने बड़े आयाम हासिल किए इतने उच्च स्तर पे कार्य किए उनका परिचय करने हमारे बीच हमारे कोर कमेटी सदस्य यूथ अवेक मिशन के कोर कमेटी सदस्य के एडवाइज़र श्री विनय कक्कड़ जी पधारेंगे और बताएंगे कि कौन है हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर संगीत रागी जी साली वाली मैया के चरणों में प्रणाम श्री गुरु जी श्री गुरु माँ और आप सभी को राम राम आज अभी हमने जो शब्द सुने उसके बाद हम सभी बहुत भावुक हो जाते हैं क्योंकि हम सभी उन क्षणों को उन ऐतिहासिक पलों को गुरु जी के माध्यम से देखते आए हैं सुनते आए हैं और कहीं ना कहीं उन ऐतिहासिक क्षणों को हम जब अपनी आंखों के सामने पिक्चर की तरह देख पाते हैं तो हम सभी भावुक हो जाते हैं और जो करतल ध्वनि अभी इस हॉल में गूंज रही थी वो कहीं ना कहीं कम से कम मुझे तो शब्दविहीन कर देती है और आज का ये दिन जो ऐतिहासिक क्षण है जिसको हम स्मरण कर रहे हैं बारवा ज्ञानोत्सव मना रहे हैं हमारे आज के अतिथि और मुख्य वक्ता आइए मेरे साथ मिलकर उनका स्वागत करते हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी का आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर रागी जी जो कि एच हैं अध्यक्ष हैं राजनीतिक शास्त्र विभाग के दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय में महाराजा अग्रसेन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की यात्रा करते करते आज राजनीतिक शास्त्र विभाग को हेड करते हैं और मैंने जितना भी जाना जितना भी पढ़ा मैंने देखा कि प्रोफेसर रागी जो अपने छात्रों को राग दरबारी अगर कहें तो वो तो सिखाते ही हैं पर साथ में वो देशराग भी साथ में छेड़ते रहते हैं जो राष्ट्र राग के रूप में सबके दिलों के तारों को छेड़ते हुए उन्हें राष्ट्र प्रथम की ओर अग्रसर करता है अपने इस जीवन में वो बहुत सारे कॉलेजेस के गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी रहे वो टास्क फोर्स में रहे एजुकेशनल रिफॉर्म्स के वो संयोजक रहे सेंट्रल एडमिशन कमेटी के और इसके अलावा साथ साथ में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स भी आते रहे जो कि जनमानस को समय समय पर झक छोड़ते रहे और राष्ट्र की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते रहे इनमें कुछ उल्लेखनीय जो आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स हैं वो हैं नेहरू अट्रबल लिगेसी भारतीय मिशनरीज एंड नक्सल मूवमेंट इन इंडिया बहुत ही संवेदनशील विषय है आश्रम में भी हम लगातार इस विषय पे बात करते भी हैं और अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि गुरु जी लगातार हमें ऐसी शख्सियतों से मिलवाते रहते हैं जो हमें देश और धर्म राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं इसके अलावा फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस में प्रोफेसर साहब का आर्टिकल है सोशल कोल्यूशन एंड पॉलिटिक्स इन बिहार एथनिक पॉलिटिक्स इन आसाम और ऐसे ही ना जाने कितने आर्टिकल्स आप गूगल करें तो मिल जाएंगे इसके अलावा एक बहुचर्चित पुस्तक है अब प्रोफेसर साहब की आरएसएस एंड गांधी द आइडिया ऑफ इंडिया तो जो विचारधाराएं ब्रिटिश साम्राज्य के साथ लड़ रही थी उसको लेके मुझे तो वो पुस्तक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया हूं पर क्योंकि प्रोफेसर साहब के बारे में पढ़ रहा था तो अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही मैं इस तरफ जा रहा हूं इस पुस्तक की तरफ और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें और प्रतिभाएं मेरे को जो डॉक्टर प्रोफेसर साहब के बारे में पता चली उनमें आप खुद भी देखते हैं लगातार वो नेशनल न्यूज चैनल्स पे राष्ट्र को लेके अलग अलग मुद्दों पे बोलते हैं और डिबेट्स में एंटी नेशनल लोगों से लोहा लेते हुए दिखते हैं मैं यही शब्दावली का प्रयोग करूंगा कि एंटी नेशनल को मुंह तोड़ जवाब देते हैं लगातार आप लोग देखते हैं और पिछले साल जब कोविड की दूसरी लहर थी तो एक आज तक में मैंने सुना था कि आप इंटरव्यू दे रहे थे और पता चला कि मौत से दो दो हाथ करके आप वापस आए हैं और उस पर आपने कुछ शब्द भी लिखे एक कविता भी कही थी उसके जो शब्द हैं वो जो मैं कैप्चर कर पाया मौत के मौ, मुहाने से लौटा हूँ उसके ठिकाने से लौटा हूँ तकरार गुफ्तु की आने जाने पर बहुत समझाने पर लौटा हूँ तो ऐसे प्रोफेसर साहब जो राष्ट्र के लिए हमेशा खड़े हैं और राष्ट्र के लिए मौत से लड़कर वापस आ गए हैं हमारे बीच में आज हमें फिर से इंस्पायर करने के लिए और मैं अब गर्वी जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और प्रोफेसर साहब को सम्मानित करें धन्यवाद धन्यवाद भैया मैं अब आग्रह करूंगा जी, अब मैं आग्रह करूंगा हमारे टीम से विद्यार्थी वर्ग से रिप्रेजेंट करती हुई खुशबू वर्मा जी को कि वह हमारे मुख्य अतिथि श्री संगीत रागी जी का सम्मान मंच पर सम्मान करें आश्रम पटका पहना के जोरदार तालियां हो जाए मैं मैं आग्रह करूंगा मेरे आश्रम से रो, रोहित भैया से कि वो आए और साथ में प्रतीक चिन्ह से भेंट में दे इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इंडियन म्यूजियम से प्लीज़ आप थोड़े थोड़ी देर रखिएगा ज़रा हम ऐसे खाली याद नहीं जाने देंगे आपको इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इंडियन म्यूजियम से हमारे यहाँ पे डी बी एस डिपार्टमेंट ऑफ भारत स्टडीज और डी आर ई डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन से पलक अग्रवाल जी और ज्योति देसवाल जी को मैं आमंत्रित करूँगा कि वह आश्रम की कुछ पब्लिकेशन से बुक्स और साथ में कुछ लेटेस्ट को हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर संदीप आगे जी को भेंट स्वरूप में दे हमारे विद्यार्थी वर्ग के छोटे छोटे बच्चे यश और सुहानी भाग के आगे आ जाएं इनसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि एक तुलसी का पौधा हमारे अतिथि को भेंट स्वरूप में दें आपका बहुत बहुत स्वागत है सर अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जिन्हें सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मैं उसके लिए आग्रह करूंगा हमारे मुख्य अतिथि जी से कि आप मंच पर आए और मंच संभालें आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पे सुनने आए आपको और कई सारे लोग साथ में जुड़े भी हैं फेसबुक से और यूट्यूब से भी जी सबसे पहले तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति को नमन इसके साथ ही प्रातः स्मरणीय रामकृष्ण परमहंस जी को की स्मृति को नमन मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली और आभारी मानता हूँ कि मुझे बुलाया गया अंदर से बहुत रोमांचित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जब भी कभी जिंदगी में कभी एक पल ऐसा आता है नैराश्य का या जीवन के प्रति कभी नैराश्य का भाव आता है या मन उदासी की ओर दौड़ने लगता है कई बार यह भी होता है कि ईश्वर पर विश्वास करें या नहीं करें कई बार लगता है कि ये वाकई जीवन है हम कहाँ से आए हैं कहाँ जाना है क्या हमारी यात्रा है कितने दिन की यात्रा है तो ये सबसे पहले यदि किसी के आश्रय में जाता हूं मैं किसी की गोद में जाकर के मैं बैठता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद है और मैं विश्वविद्यालय में भी पढ़ाता हूं तो वहां पर भी एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया डिस्कोर्सेस ऑन हिंदू नेशनलिज्म तो उसमें भी स्वामी जी के विचारों को हमने विधिवत कोर्स का हिस्सा बनाया मुझे लगता है 2017 की बात रही होगी कई बार ये सवाल करता हूं कि आखिर स्वामी जी को इतना लोग क्यों याद करता है क्या ऐसी विराटता है क्या वो देखने में बहुत आ, विराट व्यक्तित्व के धनी थे उनकी वाणी में ओजस्विता थी क्या चीज है जो इतना लोगों को आकर्षित करता है पढ़े लिखे से बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े बड़े वे लोग जो आध्यात्म को सिरे से खारिज कर देते हैं सारे लोग भी जब स्वामी जी को पढ़ते हैं तो जैसे लगता है कि पूरा कपाट खुल गया हो और साक्षात एक ब्रह्म का दर्शन हो रहा हो अद्भुत व्यक्तित्व जो जितना कांट पर बोलता हो उतना हीगेल पर बोलता हो उतना ग्रीन पर बोलता हो समूचे यूरोपियन दर्शन पर जितना जितनी प्रखरता से बोलता हो उतनी ही प्रखरता से वेद और उपनिषदों का भाष्य करता हो और वेदांत को पूरी दुनिया में जिस प्रकार से स्वामी जी ने प्रतिष्ठित किया मुझे नहीं लगता है कि भारत का कोई भी ऋषि भारत का कोई भी सन्यासी भारत की आध्यात्म को भारत की भारत के जो आध्यात्मिक ज्ञान और उस ऊर्जा की पताका को पूरी दुनिया में इतना लहराया हो इतना प्रतिष्ठित किया और बात कहां से शुरू करें मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था मैं सामान्यतः तो दो घंटे का लेक्चर देता हूं और मेरे पास कोई कोई कुंजी नहीं होती है अपने जीवन में मैं कभी भी पोथी पत्रा लेकर के नहीं आया इसलिए आज भी मैंने वहीं छोड़ दिया सोचा कहां से शुरू करें कैसे शुरू करें जिसके जीवन का हर पल अपने में एक अनमोल उदाहरण हो जिसका हर वाक्य कोट करने जैसा हो प्रातः स्मरणीय हो उसकी शुरुआत कहां से की जाए क्या राष्ट्रवाद से उनकी बात की जाए क्या उनकी चर्चा अध्यात्म से की जाए क्या उनकी चर्चा दरिद्र नारायण से की जाए क्या उन पर चर्चा नेशन अवेकनिंग से किया जाए क्या उनकी चर्चा एजुकेशन के बारे में स्त्रियों की दशा के बारे में विज्ञान के बारे में कहां से शुरू करें तो मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए लगता है कि जैसे समुद्र में एक एक छोटा सा एक जीव तैरता हुआ उसे पता नहीं लगता है कि हम किधर जाएं कहां से मेरी स्थिति वही है आप स्वामी जी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले 2017 में मैं राज पढ़ा हूं बड़ा मैं कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था और आपके गुरु जी से जब मुलाकात होती थी तो मैंने मैं पूछता था और मैं कई बार सोचता हूं किस देश की अजीब परंपरा रही है सिर्फ शिष्य गुरु के लिए बेचैन नहीं घूमता है गुरु भी शिष्य के लिए बेचैन घूमता है गुरु गोरखनाथ नाथपंथ में आप देखिए जरा सा गोरखनाथ के लिए उनके गुरु कम बेचैन नहीं ढूंढते थे और स्वामी विवेकानंद जी के लिए उनके गुरु कम बेचैन नहीं घूमते थे मैं उनका संस्मरण कह रहा हूं जो गुरु जो विवेकानंद जी के सहपाठी थे उनको मैंने पढ़ा है विवेकानंद करके और उन्होंने कहा कि बेचैनी तो दोनों तरफ थी कई सप्ताह जब विवेकानंद नहीं आए तो गुरु ने उलाहना देते हुए अपने शिष्यों से कहा अरे वो कहां है आता नहीं है जरा उसको ढूंढ करके लाओ और जब वो लाया है तो उन्होंने कहा जरा इसको अकेले कमरे में ले आओ और फिर उन्होंने उनके सीने पर उन्होंने कहा अरे आप मुझे मेरे साथ क्या कर रहे हैं मेरा परिवार है और जो जो समाधि में जाने का जो अनुभव था वो विवेकानंद जी को ऐसा रचबस गया कि वो अपने गुरु से कहने लगे कि मुझे मैं मैं भी ऐसी ही समाधि में जाना चाहता हूं तब गुरु ने कहा तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है तुम्हारा जन्म इसलिए ना तुम इससे बड़े काम के लिए आए हो यहां पे इस धरती पर तुम्हें वेदांत और भारत के अध्यात्म को पूरी दुनिया में ले जाने का और इस देश को री अवेकनिंग का दायित्व तो तुम्हारे कंधों पर आने वाला है ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस की उक्ति थी जिसे मैं आपके सन्मुख रख रहा हूं विवेकानंद जी ने अपने सहपाठी से कहा था सामान्य तौर पर आध्यात्म को ईश्वर है ईश्वर नहीं है इसके बारे में दुनिया के जितने धर्म हैं सारे बिलीफ सिस्टम पर आधारित हैं एक कुरान है सबके अपने अपने अनुभव हैं एक मोहम्मद साहब का अनुभव है उन्होंने कहा और कहा कि इसको मानना शुरू करो जिसस का अनुभव था उन्होंने कहा मानना इसको शुरू करो भारत के आध्यात्म का ऋषि भी है पृथ्वी शुक्त हम देखें पढ़े तो कहता है हजारों हजार सूर्य के प्रकाश जैसा है और बाद में तुरंत घोष वाक्य कहता है नेति नेति यह अंतिम नहीं है हमारा आद्य हमने कहा यह अंतिम नहीं है क्योंकि उसको जब हम एक बार घोषित कर दें वो अनंत है जिसका जिसका विस्तार अनंत है उसको किसी एक सांचे में देख कोई कैसे सकता है कैसे उसे कह सकता है लेकिन जरा विवेकानंद जी को देखिए कैसे भाष्य करते हैं जरा उसका कथा ये सारे रिलीजन बिलीफ सिस्टम पर हैं भारत का अध्यात्म में विज्ञान और आध्यात्म के बीच में कोई टकराव नहीं है यदि यदि हमारे 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 ऋषियों ने यदि ईश्वर को देखा है तो मैं भी देख सकता हूं और यदि मैं नहीं देख सकता हूं तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हमारी धारणा है सिर्फ विश्वास है और विश्वास कोई जरूरी नहीं हो कि सच हो ये आपका अनुभव हो सकता है किसी और का अनुभव हो सकता है वो आपका अनुभव नहीं है वो मेरा अनुभव नहीं है मेरे गुरु का अनुभव हो सकता है वो मेरा अनुभव नहीं है लेकिन विवेकानंद जी ने कहा जो गुरु का अनुभव है वह तुम्हारा भी अनुभव होगा यदि ऐसा नहीं है तो इसका कारण यह है कि जो गुरु ने रास्ता दिखाया है तुम उस रास्ते पर चले नहीं हो क्योंकि विज्ञान भी तो यही कहता है ना साइंटिफिक मेथड में आप क्या करते हैं उसके स्टेजेज होते हैं ना स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ और तब तो जाकर के आप कहते हैं कि हमने इस निष्कर्ष पर हमने पहुंचा है और आप रोज खड़े होकर के कहते हैं कि मुझे तो ईश्वर मिला नहीं गुरु जी बोल रहे होंगे झूठी बोल रहे होंगे या गुरु जी पर आप विश्वास कर लेते हैं। दोनों ही स्थितियों में यह आपका अनुभव नहीं है लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग में यह पूरा घोष वाक्य है स्वामी विवेकानंद जी का, का। यदि यदि सत्य का साक्षात यदि ब्रह्म का साक्षात किसी ने किया है मेरे गुरु ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं तुम भी कर सकते हो सब कोई कर सकता है वो सत्य का साक्ष यानी कि वो ईश्वर है वह ब्रह्म है और साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कोई भेद नहीं है योग के सहारे तुम उसे जान सकते हो ये पूरा विवेकानंद और इसको जब एक एक परत का जब वो इसका भाष्य करते हैं तो लगता है कि आध्यात्म विज्ञान के कितना निकट है और विज्ञान आध्यात्मिक के, के कितना निकट है और ये वो चीज है जो रीजनिंग माइंड जो कहते हैं जो तर्क करने वाला बुद्धि है वो हमेशा तर्क करते रहता है उसको यह लगता है कि हाँ बात तो सही है ध्यान धारणा ये सब सारी चीजें जो स्टेजेस बताई गई हैं वो तो सबको करना चाहिए यदि वो करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जो समाधि की स्थिति आएगी वो मेरी भी हो सकती है आपकी भी हो सकती है उनकी भी हो सकती है उनकी भी होती है जो गुरु जी का सच है वो हमारा भी सच निकलेगा आपका भी सच निकलेगा आपका भी न सच निकलेगा लेकिन गुरु जी इतना आप साधना तो कीजिए गुरु जी ने जो आपको रास्ता दिखाया उस रास्ते का अनुसरण तो कीजिए एक बार वो कैलकाटा से कहीं दूर जा रहे थे तो सामान्यतः जब हम साधुओं को सन्यासियों के बारे में उस समय कोलोनियल स्टेट था तो वैसी ही राय थी कि हमारे साधु जो हैं सन्यासी जो हैं ये बात उन्होंने अमेरिका में भी कहा था हर राष्ट्र का एक उसका मिशन होता है और कुछ भी हो आपके ऊपर कोई सत्ता आकर के काबिज हो जाए आप स्वतंत्र नहीं रहे लेकिन आपका मिशन यदि खत्म नहीं हुआ है तो वो राष्ट्र उठ करके खड़ा हो उठता है यह भारत के भी संदर्भ में इतनी साल के गुलामी के बावजूद यदि भारत खड़ा रहा तो इसका कारण है कि भारत की आध्यात्मिक ताकत को किसी ने खत्म नहीं किया तमाम कोष्ठों के बावजूद हमारे मंदिर तोड़े गए हमारे मठों को बर्बाद करे हमारे लाइब्रेरी जला दिए गए लेकिन आप देखिएगा जहां जहां इस्लाम गया उसने सारी सभ्यताओं को नष्ट कर करके अपना शासन किया और इस्लाम आध्यात्म के सहारे नहीं बढ़ा दुनिया में एक देश इस्लाम के अंदर आप नहीं कह सकते जहां इस्लाम अपने आध्यात्मिक ताकत के बग के साथ गया हो इस्लाम तलवार की ताकत के बल पर पूरी दुनिया तक पहुंचा और स्वामी जी कहते हैं दुनिया के जितने रिलीजन हैं उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं एक तो रिलीजन ऐसा है जो एक पुस्तक पर आधारित है और एक रिलीजन ऐसा है जो बिना पुस्तक का है और दुर्भाग्य है कि जो पुस्तक पर आधारित रिलिजन है उसके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है हालांकि इसकी आज की व्याख्या यह है हटिंगटन कहता है कि इस्लाम बड़ा है तो प्रोडक्शन के कारण बढ़ा है रिप्रोडक्शन के कारण बढ़ा है और कन्वर्जन के कारण बढ़ा है दूसरे का मतांतरण करके बढ़ा है या बच्चे पैदा करके बढ़ा है आध्यात्मिक ताकत ने लेकिन हम जब बुद्धिज्म गया तो हमने दिलों पर कब्जा किया इसलिए शिकागो के भाषण में सुना होगा हमने कभी तलवार नहीं उठाई है यह भारत की आध्यात्मिक ताकत है जिसका विवेकानंद जी बार बार प्रयोग करते हैं सिर्फ शिकागो के भाषण में ही नहीं वो बाद में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूरोप के जहां भी भाषण में इस बात को बार बार वो दोहराते हैं भारत की जो ताकत है वो आध्यात्मिक ताकत है एक समय वो विदेश यात्रा पर थे जहाज में जा रहे थे तो उनके साथ एक ब्रिटेन का एक गोरा साथ में जहाज में यात्रा कर रहा था तो उस याद में वो लिखता है कहता है कि हम डेक पर सुबह आते थे तो देखते थे एक भारत का नौजवान बड़ा दिव्य घोरा चिट्ठा आकर के नाश्ता करने वाली टेबल पर बड़े मॉडर्न तरीके से नाश्ता करता था वो कोई नॉनवेज लेकिन नहीं था और हम लोग आपस में बात करते थे तो एक बार भारत के बारे में जिक्र आते ही धर्म के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में बात होती तो वो चुप्पी तोड़ करके वो पहले तो कुछ नहीं बोलता था उस समय एकाएक अचानक एक जैसे सिंह की तरह गर्जना करते हुए कहता है सब चीज बात करो लेकिन भारत को ईसाई मिशनरियों के ज्ञान की जरूरत नहीं है और कहा जैसे पश्चिम ने जैसे पश्चिम ने मैटेरियल साइंस में प्रोग्रेस किया है भारत के सनातन धर्म ने उतना ही प्रयोग स्पिरिचुअल डोमेन में किया है जितना पश्चिम ने मैटेरियल प्रोग्रेस के लिए आर्थिक दृष्टि से प्रगति के लिए विज्ञान के दिशा में जितना खोज और प्रयोग किया है उतने ही आविष्कार भारत ने आध्यात्मिक जगत में किया है इसलिए भारत को क्रिश्चियनिटी की जरूरत नहीं है भारत को धर्म की जरूरत नहीं है और आप देखेंगे कि यह बात यह बात स्वामी विवेकानंद ही नहीं कह रहे हैं ये बात गांधी जी भी कह रहे हैं यही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहता है यही बात महर्षि अरविंद भी कहते हैं भारत की एक पूरी सनातन धारा की परंपरा इसी बात पर कहती है और आप चौंक जाएंगे विवेका जी जी की दृष्टि में क्या था ये चीजें उन्होंने कहा कि यदि हिंदू समाज से एक भी व्यक्ति यदि बाहर जाता है यह मेरी उक्ति नहीं है मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं यह आप मत सोचिएगा कि यह आदमी टेलीविजन पर बोलता है वही पॉलिटिकल भाषण यहां भी देने लगा यह मत सोचिएगा उसकी लाइन है एवरी इंडिविजुअल गोइंग आउट ऑफ हिंदू पेल इज नॉट ओनली रिडक्शन ऑफ वन मेंबर फ्रॉम द हिंदू सोसाइटी बट इट एडिशन ऑफ वन मोर एनिमी टू द हिंदू सोसाइटी आप सोचिए जरा हिंदू समाज से एक व्यक्ति बाहर जाता है तो हिंदू समाज का एक व्यक्ति कम नहीं होता है हिंदू समाज का एक दुश्मन बढ़ता है ये पेपर जब लिख करके मैंने ये यही क्रिश्चियन मिशनरीज और नक्सल मूवमेंट पर लिखा तो उनके एडिटर का आया कि आप ये मैं आपका नहीं छापूंगा मैंने पूछा क्यों उन्होंने कहा ऐसी भाषा का प्रयोग स्वामी विवेकानंद कर ही नहीं सकते हैं आप इसका रेफरेंस दीजिए हमारे यहां तो रिसर्च में रेफरेंस चाहिए आपको कोट करना पड़ा कब कहा किस पुस्तक में लिखी हुई है कहां से लिखी हुई है मैंने इसे पढ़ा था मुझे याद हो गया था तब मैंने गूगल देवता को प्रणाम करके वही सेंटेंस मैंने डाल दिया और आप प्रसन्न होंगे कि रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद जी का जो कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद में है उसने सारा खंड कितना खंड कौन सा वॉल्यूम सब निकाल करके रख दिया तो यही बात तो सावरकर भी कह रहे थे कि कन्वर्जन इज लीडिंग टू डीनेशनलाइजेशन। भारत का अराष्ट्रीयकरण हो रहा है यही बात तो सावरकर भी कह रहे थे और सावरकर वही बात कह रहे थे जो स्वामी विवेकानंद जी ने पहले कह रखा था वही बात बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि स्वामी जी की दृष्टि जो थी राष्ट्रबोध की दृष्टि कैसी थी जानते थे इसकी कीमत जानते थे कि हिंदू समाज का संगठन एक और लाइना पढ़ते होंगे कभी उसका विश्लेषण किया है इस्लामिक बॉडी वी नीड इस्लामिक बॉडी एंड वेदांतिक माइंड सुना होगा आपने तो जो हमारे सेकुलर तंत्र के लोग हैं वो इसका भाष्य करते हैं कि देखिए हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कितनी बड़ी बातें स्वामी जी ने कहा है वो ये नहीं कह रहे थे वो ये कह रहे थे जैसे वेदांतिक माइंड का मतलब जो इंटेलेक्ट है वो तो हमारा वेदांत ही है लेकिन भारत के हिंदुओं का संगठन जो है वो ऐसे ही होना चाहिए जैसे इस्लाम के अंदर एक संगठन जैसे संगठित मुस्लिम समाज है वैसे ही संगठित हिंदू समाज भी कड़ा होना चाहिए लेकिन जो हमारी जो हमारी हमारी ज्ञान की बात है जो ज्ञान का चित्र है वह हमारा वेदांत के अतिरिक्त तो और कुछ हो ही नहीं सकता वी डोंट हैव टू बाय वी डोंट हैव टू टेक वी डोंट हैव टू इंपोर्ट एनी विजडम इन फील्ड ऑफ रिलीजन इन फील्ड ऑफ पेस्पिरेची फ्रॉम एनी क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के किसी हिस्से से भारत को आध्यात्म की जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह वो फील्ड है जिसका वो पहले से गुरु है साथ ही भी कहा कि दुनिया के जितने बाकी जो भी नॉन इंडिक रिलीजन है यानी वो रिलीजन जो भारत के बाहर पैदा हुए वे सारे के सारे रिलीजन फियर उसका बेस है आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ऐसा हो जाएंगे आप, आप कुरान पढ़िए मैं तो सबको कहता हूं सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि तब आप जानेंगे कि उसमें क्या कहा गया है क्रिश्चियनिटी आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दंडित करेगा आप एक वाक्य आप उपनिषद से ऐसा नहीं निकाल करके दिखा सकते हैं जिसमें यह कहा गया हो कि यदि तुमने ब्रह्म को ऐसे नहीं किया तो ब्रह्म तुम्हें दंडित कर देगा मैंने वेद पढ़ा है आप ऋग्वेद से एक ऐसा एक ऐसा सुप्त नहीं निकाल सकते जिसमें कह दें जहां पर डर दिखा करके आपको धर्म का पालन करने के लिए मजबूर किया गया हो भारत का अध्यात्म ऐसा नहीं है भारत के अध्यात्म नहीं, नहीं इसकी इसके लिए कोई जगह ही नहीं है उन्होंने कहा दुनिया के दो धर्म ऐसे हैं जिनके लिए बाकी के सारे धर्म जो है वो शत्रु दिखते हैं आपने लास्ट लाइन सुना होगा शिकागो भाषण जैसे सारी नदियां एक समुद्र में होती है सारे धर्म एक लेकिन सवाल है कि बाकी लोग आपके बारे में वैसे ही सोचते हैं क्या हम तो कहते हैं कि हम तो सारा सारा विश्व जो है वो कुटुंब है सारा परिवार है सिया राम में सब जग जानी और हमने कहा कि जड़ चेतन सब में वही है और हमने इसे दिखाया भी हमने प्रयोग भी किया जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोग भी किया जिसको आप मेटल कहते हैं उसमें भी सेंसिटिविटी है जिसे आप पौधा कहते हैं उसमें पहले नहीं माना जाता था उसकी भी अपनी सेंसिटिविटी है जो टीन है उसकी भी अपनी सेंसिटिविटी है भारत के आध्यात्म ने किसी को दुश्मन नहीं कहा किसी को शत्रु नहीं कहा और यही कारण है कि हमने इतनी कोटी देवी देवताओं को एक साथ कर दिया है एक ही मंदिर में रहते हैं लेकिन वो लड़ते कभी नहीं है मेरी माँ किसी और को पूछती थी मेरी दादी किसी और को पूछती थी मेरे पिताजी किसी और को पूछते थे मैं किसी और को पूछता था मेरी बहन किसी और को पूछती थी और सारा मंदिर एक ही जगह रहता था बारी बारी से हम लोग आते थे जाते थे सबको करके अपने इष्ट देव को प्रणाम करके और पूज करके हम लोग चल जाते थे कोई टकराहाट नहीं थी ये भारत क्या था और हमको कहा जाता है आप इंटॉलरेंट है हमको कहा जाता है आप सेकुलर बने क्यों बने कैसे बने क्यों बने उन्होंने कहा जब स्वामी विवेकानंद जी लौट करके आए तो उससे पहले भी उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया था कोई आठ वर्षों तक वो साउथ इंडिया वगैरह सब जगह घूमे कहा मेरा मेरा विश्वास युवाओं में है ये युवा जो है वही नए भारत का निर्माण करेंगे जिनको आप मॉडर्न कहते हैं बोलते हैं उन्होंने कहा और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम स्कूल खोलेंगे किसी और काम के लिए उन्होंने कहा हम स्कूल खोलेंगे ब्रह्मचारियों को पैदा करने के लिए उन ब्रह्मचारियों को पैदा करूंगा जो दुनिया में भारत के आध्यात्म भारत की जो आध्यात्मिक ताकत है वो पूरी दुनिया में फैलाएंगे जिस समाज ने अपने आध्यात्म की, को, की कीमत नहीं आंकी हो जिसने अपनी सभ्यता को नहीं समझाओ पकड़ करके नहीं रहो वो कोई दुनिया में इतिहास जिंदा रह नहीं सकता जब कई बार सवाल होता है हमारे यहां जातीय व्यवस्था थी ये अमुक था आपस में लड़ते रहते थे सावरकर जी ने प्रश्न किया तो जब जहां इस्लाम गया था वहां तो सारे को नेतनब वहां पर कौन सी जाति व्यवस्था थी वहां तो इसका मतलब हमसे और बेहतर बेहतर क्या वो हमसे गंदी सामाजिक व्यवस्था थी जहां जहां क्रिश्चियनिटी गया आप जरा पूरा अंदाजा लगाइए पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी यूरोप को एक अपने घेरे में ला करके समेट देता है और जो क्रूसेट के साइम में जिस प्रकार का आप सरतन से जुदा का नारा देख रहे हैं यह स्थिति क्रुसेट के समय क्रिश्चियनिटी ने भी अपना रखा था दूसरे धर्मों के खिलाफ ये तो सभ्य पिछले 800 साल के अंदर हुए हैं इतनी ही क्रूरता थी ऐसी ही क्रूरता दिखाई थी भारत में कभी ऐसा नहीं भारत ने कभी ऐसा नहीं किया इसलिए उन्होंने स्वामी जी ने कहा हम उस रिलीजन से आते हैं हम उस देश से आते हैं जिन्होंने पोसिक्यूटेड कम्युनिटी को अपने यहां आश्रय दिया है जब जीवस को कोई नहीं सुन रहा था दुनिया में कहीं शरणागत नहीं था तो भारत ने उसे शरण दिया और इसका अनुभव मैं इसराइल में जाकर के देखा हूं कि आप इसराइल के एयरपोर्ट पर उतरे हर का वो पैंट शर्ट खुलवा लेंगे लेकिन भारतीयों के साथ तो वो ऐसे करते हैं कोई पुराना बिछड़ा हुआ रिश्तेदार आकर के मिल रहा हो ये तेल में मैंने देखा स्वामी जी ने सारे एक एक प्रश्नों का जवाब दिया अब बड़ा हैरान हो जाएंगे राजा राम मोहन राय को भारत का के समाज सुधार आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है इंडियन रेनेशा का फादर कहा जाता है यानी भारत का जो नवजागरण हुआ पुनर्जागरण हुआ उसका जो प्रणेता माना जाता है वो राजा राम मोहन राय को माना है लेकिन सच पूछे तो भारत का सही पुनर्जागरण जो है वो बंकिम और विवेकानंद से शुरू होता है और मैं इसका कारण बताता हूं इसके ठोस कारण है राजा राम मोहन राय ने यही कहा यही बताने की कोशिश की कि जो पश्चिम में है वैसा ही मैं भी हूं यदि पश्चिम एकेश्वरवाद है तो हम भी एकेश्वरवाद में हमारे यहां विविधता है लेकिन सब सबको मिलाकर के उसी एक ही ब्रह्म का सब विस्तार है इसलिए जैसा आप हैं, वैसा ही मैं भी हूं कोई अलग नहीं है सिर्फ देखने की दृष्टि भेद है फिर मूर्ति पूजा को लेकर के हमने देखा कि कुछ समय कई धाराएं थी आप आर्य समाज को ले लीजिए आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया लेकिन जरा भारत की आध्यात्मिक ताकत देखिए कि किसी ने स्वामी जी के खिलाफ सरतन से जुदा होने का नारा नहीं लगाया सबने कहा उन्हें ऋषि की ही संज्ञा दी और आज भी वो हमारे लिए उतने ही पूज्य हैं जिन्होंने पूरी देवी देवताओं के मूर्तियों को लेकर के पूरे के पूरे पूरे सिद्धांत का खंडन कर दिया इसके बाद जब वही बात स्वामी विवेकानंद पर आती है और गांधी जी पर आती है तो दोनों ने मूर्ति पूजा का नसीब पुरजोर उसको सही ठहराया उसका भाष्य किया और बताया कि यह क्यों आवश्यक है इस पे हमें शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है बट अस्थूल और सूक्ष्म ब्रह्म का अंतर समझा करके उन्होंने कहा कि क्यों यह जरूरी है और आपने सुना होगा कि रामकृष्ण परमहंस एक बार नदी के किनारे गंगा के किनारे ही जो है वो एक पार्टी थी कलकत्ता के कुछ सम्रांत लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उसमें वो भी चले गए थे उनको कार आई और कार आने के बाद उनको लेकर के गए तो किसी ने निर्गुण ब्रह्म के बारे में बात किया और वो लिखते हैं कहते हैं कि जैसे ही निर्गुण ब्रह्म के बारे में बात किया एकाएक वो ट्रांस में चले गए एकाएक समाधि में चले गए फिर दूसरा किस्सा सुनाते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु के बारे में स्वामी विवेकानंद के सहपाठी ने लिखा है कहा एक बार उनको इच्छा थी कि कलकत्ता के अंदर जो बोटेनिकल गार्डन है जरा उसको देखने चलते हैं तो हम लोगों ने गाड़ी भेजी वो आए और आने के बाद हम लोग सब उनको दिखाने लगे कि ये फूल है ये ये वृक्ष है ये अमुक जंतु है उन्हें कहा नहीं 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 मुझे मुझे वहां ले चलो जहां सिंह जहां लायन है तो ले गए और फिर लेखते हैं कहते हैं जैसे ही देखा सिंह को वो फिर एकाएक समाधि में चले गए और वो ऐसी समाधि में गए कि लगता था कि वो गिर पड़ेंगे जैसे ही हम लोगों ने स्पर्श किया हाथ दिया सहारा दिया वो फिर समाधि से लौटे और फिर हम उनको कहते रहे इसको देख ले बोला भगवती का दर्शन हो गया आप क्या करना चलो और आकर के वो गाड़ी में बैठ गए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं हम क्यों इन सब चीनों को याद कर रहे हैं बार बार इस बात की ओर इशारा करने के लिए कि भारत की जो आध्यात्मिक ताकत है ये जो आश्रम है ये जो मठ है ये मंदिर हैं इनका हम मजाक उड़ाना बंद करें ये हमारे श्रद्धा केंद्र हैं जिस दिन इन श्रद्धा केंद्रों पर जिस दिन ये श्रद्धा केंद्र खत्म हो जाएंगे भारत भारत नहीं रह पाएगा जिस दिन ये श्रद्धा केंद्र के प्रति अनास्था जग जाएगी ये भारत भारत नहीं रहेगा यहीं से भारत को ताकत मिलती है यहीं से कई बार लगता है कई बार किससे कहानियां जब सुनते हैं तो कई बार लगता है इस देश को चला कौन रहा है जब गोरे गए थे तो उनको लगता था ये देश चलेगा क्या इतनी सारी भाषाएं इतनी सारी विविधता इतनी जाति भेद और आज दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री व्यवस्था ताकत और पता नहीं क्या इन सबके बावजूद भारत खड़ा है तो कई बार कुछ लोग कहते हैं लग भारत के साथ भारत की आध्यात्मिक ताकत भी हमेशा काम करते रहते जिन ऋषियों को आप जानते नहीं है जिन्हें आप कंदराओं में देखते हैं जिन्हें यहां आपको दर्शन नहीं होते हैं वह भी भारत के प्रति वो उनकी ऊर्जा ताकत देती है महर्षि अरविंद की ऊर्जा ताकत देती है ऐसे ऐसे महान चिंतक यहां से इस धरती से गए हैं यह अवतार भूमि है क्राइस्ट ने भगवान को नहीं देखा था ईसा मसीह ने भगवान का दर्शन नहीं किया था प्रोफेट मोहम्मद ने ईश्वर का दर्शन नहीं किया था सिर्फ कान तक उनको एंजल्स की आवाज उनके ईश्वर के देवदूत ने क्राइस्ट को भी देवदूत ने यह किया था किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है ईश्वर को दूत का आवाज सुना है यह तो वो धरती है जहां राम और कृष्ण इस धरती पर रेंगते हुए खेले हैं ये वो धरती और यदि आप पूरे विवेकानंद जी का साहित्य बार बार जैसे किसी चीज का हमेशा एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है आप आप एक लोटे को ये कीजिए आप उसको आप उसे ठेलिए वो आकर के फिर अपने अपने अपने, अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र तक लौट आता है तो भारत को आप चाहे वो कुछ भी हो आप कितना भी डिस्टर्ब कर लें, लेकिन भारत की ताकत उसकी आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र है तो हमेशा लौट करके वो उसी तरफ आकर कहता है किसी ने नहीं सोचा था कि राम मंदिर का उद्धार होगा संतों की ताकत लगी और उसका उद्धार हो गया संतों की ताकत है आने वाले दिनों में और सारे कुछ हो जाएगा इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था भारत में एक नेता हजारों लोगों को बिना पैसा का इकट्ठा नहीं कर सकता है लेकिन एक साधु और एक सन्यासी यदि खड़ा हो गया हजारों लोग इकट्ठा हो गया नेता नहीं खड़ा कर सकता मैं कुछ दिन पहले मैं कुछ दिन पहले योगी जी के गुरु महाराज के लिए मैं गुरु महाराज पर बोलने के लिए नाथ पंथ पर बोलने के लिए क्या था मेरठ गया था कुछ ही दिन पहले एक सप्ताह पहले की बात रही होगी तो उस आंदोलन को बड़ा नजदीक से देखा है और उस आंदोलन को देखने के बाद लगा वो देश के संतों की ताकत थी वो कोई वो कोई राजनैतिक आंदोलन नहीं खड़ा सकता और विवेकानंद जी ने कहा कि भारत कोई आद, भारत कोई बड़ी राजनीतिक ताकत होगा इसकी इसकी जरूरत भी नहीं हो इसकी हमारी कल्पना भी नहीं है हमारा यह उद्देश्य भी नहीं है यह हमारा घोष वाक्य नहीं है एक बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत हो जाए यह हमारा घोष वाक्य नहीं है हम हो चाहे इसमें कोई हमारे चक्रवर्ती सम्राट भी तो थे जब बाली को राम ने मारा तो बाली ने कहा आपने मुझे क्यों मारा तो उन्होंने कहा यह मत भूलो कि तुम चक्रवर्ती सम्राट भारत के राज में रह रहे हो और जो अपनी पत्नी अपने भाई छोटे भाई की पत्नी पर कुछ दृष्टि दे वो अधर्म का कारण बन रहा है और ऐसे को दंडित करना ये भरत का आदेश है मेरे लिए मैं उन्हीं के राज में रह रहा हूं तो ताकत तो थे लेकिन ताकत का प्रयोग साम्राज्य बनाने के लिए कभी नहीं कहा एक उदाहरण नहीं मिलता है अभियोगा ने जो कहा हमको हमको राजनीतिक ताकत नहीं खड़ी करनी है सोचिए कि नहीं आप हो जाएं बड़ी अच्छी बात है लेकिन आप जरा देखिए कि जो जनक थे उनको योगी सबसे परम योगी क्यों कहा जाता था सारी चीजों के बावजूद भी वह कुछ नहीं थे सब चीज था सारा ऐश्वर्य था जिनके यहां भगवती पैदा ली हो उससे उससे बड़ा कोई संपन्न कोई क्या हो सकता है जिसके यहां खुद देवी भगवती पैदा हो उससे बड़ा कोई संपन्न हो सकता है क्या साक्षात जिनके यहां लक्ष्मी पैदा हो गई त्रिलोक की स्वामिनी पैदा हो उससे बड़ा कौन संपन्न लेकिन उन्होंने सब चीज अपने लिए कुछ नहीं था उन्होंने कहा त्याग ही स्वामी जी के त्याग ही भारत की ताकत है आध्यात्म ही भारत की ताकत है और इसी ताकत को बचाना है इसी मिशन को बचाना है इसलिए हम आज भी कई बार हम सोचते हैं कि भारत का क्या मिशन है कृणवंतो विश्व आर्जन हम पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे हम विश्व के सबसे बड़े ताकतवर देश बनने की बात नहीं करते हैं हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं यानी पूरी दुनिया को दिशा देने का काम यही भारत का मिशन है पूरी मानवता को मानवता को दिशा दे वही भारत का धर्म है जिसको कहते हैं एक जगह लिखते हैं स्वामी जी आवर मिशन इज नॉट टू कॉन्कर द नेशंस आवर मिशन इज टू हार्मोनाइज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नेशंस हमारा काम किसी राष्ट्र को पर विजयी होने का नहीं है हमारा काम राष्ट्रों के बीच के जो संघर्ष है वो काम खत्म करने का है वो संघर्ष खत्म है और एक काम और एक काम दुनिया में एक ही कर सकता है वो भारत कर सकता है क्योंकि भारत में वह सृजनात्मक बोध है भारत में वह आध्यात्मिक बोध है बाकी दुनिया की किसी सभ्यता में नहीं है इसलिए हम विवेकानंद जी की स्मृति को याद करते हैं जब भी हम विवेकानंद जी को पढ़ते हैं तो भारत का लगता है आध्यात्मिकता है जैसे एक जगह महर्षि अरविंद लिखते हैं जब मैं कहता हूं कि भारत का राष्ट्रवाद उदय हो रहा है तो इसका मतलब है भारत का सनातन धर्म उदय हो रहा है सनातन धर्म और भारतीय राष्ट्रवाद में कोई अंतर नहीं है दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं यही बात भा विवेकानंद जी के वाक्य भी है इसलिए इस पुण्य तिथि का स्मरण करें और भारत के सृजनात्मक और सांस्कृतिक बोध को आध्यात्मिक बोध को हम हमें सुरक्षित रखना है सहेज करके रखना है इसलिए हमको संगठित भी रहना है अपने प्रति हमेशा चिंतनशील रहना है एक बात ध्यान जरूर रखना है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमारे खतरे कुछ कम नहीं हुए हैं आप अंदाजा लगाइए उन्नीस से पहले भारत के अंदर जो भी जो भी विमर्श थे भारत के जो भी विघटकारी विमर्श थे वे सारे सत्तर साल के बाद आज आकर के फिर एक साथ खड़े हो गए हैं सवाल उर्दू का हो सवाल हिजाब का हो सवाल शुक्रवार के नमाज का हो सारे मुद्दों पर और जब किसी किसी समुदाय की एक ऐसा समुदाय जिसके लिए बारीकी के सारे धर्म दुश्मन है जिसके लिए आप आप काफिर हैं एनिमी के तौर पर आपको प्रेजेंट किया जाता है यदि उनकी कल बहुसंख्य उनकी संख्या यदि बढ़ जाती है यदि वो 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो जाती है 40 प्रतिशत हो जाती है तो भारत का राजनीतिक विमर्श कैसा होगा आप सिर्फ आकलन कर सकते हैं भारत का आध्यात्मिक विमर्श कैसा होगा सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत का सांस्कृतिक विमर्श कैसा होगा क्या चीज डोमिनेट करेगा हमारे अंदर यदि प्रज्ञा डोमिनेट करती है सबके अंदर कहीं ना कहीं काम वासना है कुछ खाने की है वो कुछ झूठ है कुछ है लेकिन जब यदि माइंड कंट्रोल करता है इन सब चीजों का यदि हमारी प्रज्ञा यदि सबको संतुलित रखती है तो हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं लेकिन जिसमें प्रज्ञा कम हो और जिसका बाकी चीजें और डोमिनेट करता हो वो असंतुलित व्यक्ति हो जाता है तो भारत का आध्यात्म तभी तक बचा रहेगा जब तक आपकी ताकत बचे रहेगी जिस दिन वो ताकत खत्म हो जाएगी जिस दिन वो राजनीतिक ताकत खत्म हो जाएगी आपके निर्णय करने की क्षमता खत्म हो जाएगी मैं इशारा बहुत साफ कर रहा हूं फिर भारत का अध्यात्म भी नहीं बचेगा क्योंकि आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक समय हमारी सीमाएं ईरान तक जाती थी अफगानिस्तान तक जाती थी बर्मा और कंबोडिया तक इधर जाता था वहाँ पर न हमारे मंदिर सुरक्षित रह पाए न हमारे न हमारे गुरुद्वारे सुरक्षित रह पाए न हमारे आश्रम के अवशेष बचे हैं इसलिए आवश्यक है कि हम स्वामी जी का स्मरण भी करें हम अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव पर गुमान भी करें और उसको सहेज कर संगठित रखने की दिशा में हम साथ, साथ चलें इतनी बात कह कर करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ प्रणाम बहुत बहुत साधुवाद आपने बिल्कुल सही कहा जिसका विस्तार अनंत है उसे एक सांचे में कैसे देखा जा सकता है ऐसे ही महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी हमारे दादा गुरुदेव जिनके पद पे चल रहे हमारे गुरु जी जो प्रेरणा है हमारे आश्रम की उसी राह पर हम सब बैठे आश्रम सदस्य यूथ अवेक्ट मिशन के सदस्य सारे विद्यार्थी ये प्रशिक्षण पा रहे हैं कि आश्रम की धरातल से हम वो केंद्र बन सके जहाँ भारत का अध्यात्म दुनिया भर में पहुंचे और दुनिया भर में पहुंचे इसके लिए बौद्धिक क्रांति में जब आप जैसे लोग हमारा साथ देते हैं तो हमें वो गति मिलती है हमें वो संबल मिलता है बहुत बहुत साधुवाद सर अब मैं आगे आग्रह करूँगा हमारी कोर कमेटी के एडवाइजर श्री ज्ञानेन्द्र गयन, प्रताप जी से कि वो आए और श्री, श्री गुरु जी के स्वागत के लिए कुछ शब्द कहें जी श्री श्री गुरु और आदरणीय श्री संगीत रागी जी सभी को प्रणाम करता हूं अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने एक बात कही कि स्वामी जी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें तो निश्चित रूप से श्रीमन ये सब ये उलझन हमारे सामने भी होती जब हम अपने गुरुजी के विषय में कोई बात करना चाहते हैं हमें समझ नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें संघर्ष अचल आध्यात्म के मार्ग पर चलकर जिस विनम्र और तपोनिष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण होता है वह व्यक्तित्व आकार लेता है उस व्यक्तित्व का नाम है श्री गुरु डॉक्टर पवन सिन्हा दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर श्री गुरु जी एक समाज सुधारक प्रखर वक्ता देश के लिए जीने वाले हर पल को अपने देश के लिए समर्पित करने वाले ऐसे श्री गुरु जी श्री डॉक्टर पवन सिन्हा जी हमारे गुरु हैं ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है भारतीय प्राच्य विद्याओं में उनकी पकड़ हम सब जानते ही हैं आयुर्वेद योग ज्योतिष इन सभी पर हम उनको लंबे समय से सुनते देखते पहचानते आ रहे हैं इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि उनकी आध्यात्मिक शुरुआत तो जैसा गर्वी जी ने भी कहा कि स्वामी जी को न सिर्फ वो फॉलो करते हैं बल्कि उनको अपने जीवन में जीते हैं स्वामी जी का अक्स उनके व्यक्तित्व पर एक छाप की तरह हमेशा हमें दिखाई देता है आठ वर्ष की आयु से अपने आध्यात्मिक जीवन की आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हुए श्री गुरु जी के जीवन का मूल मंत्र रहा है परिवर्तित हो परिवर्तन करो मैं बहुत समय तो नहीं लूंगा चूंकि गुरु जी को हमें सुनना है और श्री गुरु जी से निवेदन करूंगा आग्रह करूंगा कि वह इस विषय का व्यास करें श्री गुरु जी 9/11 को जिस तरह से याद करती है हम सौभाग्यशाली हैं कि हम 9/11 को उस तरीके से याद नहीं करते मैं स्वामी जी को प्रणाम करते हुए गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और जितने भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें बारहवें ज्ञानोत्सव के आज जो ओजस्वी मुख्य वक्ता हैं, जिनको आप सभी ने अभी सुना है उनसे मेरा संबंध कुछ अद्भुत सा है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उन्हें जानता हूँ और उनका प्यार और स्नेह बहुत लंबे समय से सन उन्नीस से मुझे प्राप्त हो रहा है कभी मार्गदर्शक के रूप में कभी वह शिक्षक के रूप में मेरे साथ रहे और कभी मेरे बड़े भाई के रूप में उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया मैं दिल्ली में तो जब नया आया था मैं उन दिनों को याद करता हूं यहां पर जब मैं आया था तो गुरु महाराज या मैया के अतिरिक्त यदि कोई दो लोग जिन्होंने मुझे दाएं बाएं से संभाला और कभी मनोबल नहीं टूटने दिया उन्नीस सौ में जब मैंने यहां फिल किया था तो वो एक थे आज के ओजस्वी मुख्य वक्ता और प्रोफेसर सुनील चौधरी जी कभी भी कहीं भी कोई भी परेशानी होती थी तो आप लोग उसे मार्गदर्शन मिलता था और मैं कभी कभी संबोधन में भी कंफ्यूज हो जाता हूं ऑफिशियली मैंने कभी सर कहता हूं कभी सर कहते कहते भूल कर भैया प्रणाम कह देता हूं कभी भाई कहते कहते फिर सर निकल जाता है मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं उनके व्यक्तित्व का ऐसा स्नेह रहा कि बहुत सारी गुढ़ बातें गुड़, बाते, गुड़ विषय समझने का अवसर मिला उनसे और महत्वपूर्ण दायित्व तो भी जहाँ से मैं कुछ सीख सका विश्वविद्यालय में उन्होंने मुझको प्रदान किए उन अवसरों से मुझे बहुत लाभ हुआ और इसलिए व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं मेरा कार्य आज केवल विषय का व्यास करने का है क्योंकि जो जस्वी बातें आपके कानों में पड़ी होंगी आप उन्हें वर्षों तक नहीं भुला सके होंगे भुला सकेंगे और जिस तरीके से आपने आज का वक्तव्य सुना होगा और हृदय में या मस्तिष्क में उतारा होगा मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं कि आप सब वर्षों तक इस वक्तव्य को याद रखेंगे सामान्यता इतनी समग्रता के साथ बहुत कम वक्ता बात करते हैं टेलीविजन पर यहां आपके बहुत सारे फैंस भी हैं बहुत सारे लोगों ने बाहर से भी लिखा है कि आपको सुनना उनके लिए एक उपहार से कम नहीं आज के दिवस पर और वह सुनने के उपरांत बाहर क्या बल्कि महसूस कर रहे होंगे टेलीविजन पर मौका ही नहीं मिलता अपनी बात कहने का लेकिन फिर भी वो अपने विषय वस्तु को बहुत सहेज कर रखते हैं और समय आने पर कहते उद्धृत करते हैं ये शायद कहीं हमारे मीडिया का भी दुर्भाग्य है कि हम चैनल्स पर उन लोगों को लाते हैं और ये शायद जनता का भी दुर्भाग्य है कि सत्तर प्रतिशत वो चेहरे देखना पसंद करती है जो वहां झगड़ते हैं शोर मचाते हैं न सुनते हैं न सुनने देते हैं और इसीलिए उनकी बातों में वो तम नहीं होता वह तम फैला देते अंधेरा फैला देते हैं और बहुत थोड़े से ऐसे वक्ता हैं टेलीविजन पर जो उस अंधेरे में एक प्रकाश की भांति उभर कर सामने आते हैं और लोगों को एक नई दिशा एक नई सोच देते हैं ऐसे हैं हमारे भाई जी ऐसे हैं हमारे प्रोफेसर संगीत रागी जी युवा अभ्युदय मिशन और सभी लोग जो भी आप आयोजन समिति में थे उन सबको मैं हृदय से बहुत उनका अभिनंदन करता हूं दिन रात आप लोग काम करते हैं और इस आश्रम को संभालते हैं बहुत बहुत मज़बूत और डेडिकेटेड वृंदु की ये टीम है और कभी कभी तो लगता है ये बहुत सारे लोग शायद स्वामी जी के मठ से ही अब अवतरित होकर यहां आ गए स्वामी जी के बारे में कितनी बात कर सकता है कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक बात कर सकता है कोई भी व्यक्ति महीनों तक बात कर सकता है कोई भी व्यक्ति एक साल से तो ये भारत बात कर ही रहा है यह इस बात का स्पष्ट संकेत है मैं पहले भारतीय सभ्यता के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा बहुत थोड़ी सी सूक्ष्म भारतीय संस्कृति की यदि हम बात करें इंडियन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सिविलाइजेशन का जो स्वरूप है इसमें आधुनिक युग में बहुत परिवर्तन आया है और जितने भी मनीषी थे जिसके बारे में अभी मैं किनोट एड्रेस में बताया गया जितने भी हमारे मनीषी थे उन सभी ने उस रूप का विरोध किया और यदि हम उससे और पहले जाते हैं राजा दशरथ की बात हुई राजा पृथु है राजा दिलीप है भगवान राम है राजा भारत हैं और उसके बाद श्री कृष्ण स्वयं एक बहुत बड़ा उदाहरण है सोशल रिफॉर्म्स का रिफॉर्म्स इन धर्म सिस्टम का मनुस्मृति मनु संहिता मनु तो है ही है कौटिल्य भी उसमें अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी उसमें एक विशिष्ट स्थान रखते हैं ऐसे तमाम लोग हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के लिए बहुत काम किए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यह समय पर समझ लिया था कि जब तक धर्म का वास्तविक अर्थ लोगों तक नहीं पहुंचेगा लोग रिलीजन के शिकार हो जाएंगे और आज जब धर्म मात्र पूजा पाठ बन के रह गया आज धर्म सिर्फ वितंडावाद मन कर रह जाता है और लोग रिलीजन के फेर में यदि उलझने लगते हैं तो उससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो इसी भारतीय सभ्यता को होता है भारत की जो संस्कृति है हम लोग हर हफ्ते पढ़ते हैं उसको कक्षाओं में यहां पर उसमें एक दर्शन नहीं थे उसकी एक फिलॉसफी है और वही हमारी समृद्धि है वही हमारे ऋषियों की जमा पूंजी है जो हम तक पहुंची हुई है और अगर हम उसको भूलने चलेंगे हालांकि भारत के ऋषि मनीषी उसे भूलने देते नहीं है कोई ना कोई आता रहता है और उसको याद दिलाता रहता है लेकिन यदि हम उसको भूल जाएंगे तो बाकी जो बचेगा वो मात्र रिचुअल्स होंगे जो सौ सौ किलोमीटर पर बदलते रहते हैं और उससे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता उससे तन मन में कोई बहुत ओझ उत्पन्न नहीं होता उससे संस्कृति की कोई परिभाषा नियत नहीं होती उससे संस्कृति की कोई राह निकलती नहीं है मैं राजा का उल्लेख करना चाहूंगा मैं उस धर्म का उल्लेख करना चाहूंगा जिससे राजा भी बंधा हुआ है भारत में राजा की स्थिति कभी भी स्वतंत्र स्थिति नहीं रही जैसे कि तानाशाह होते हैं भारत में कभी भी पूर्व के भारत में कभी भी राजा स्वेच्छाकारी नहीं हो सका एक धर्मदंड था जो धर्म ने उसे दिया था राजा भी उससे ही बंधा हुआ था पुण्य और पाप इन दोनों बंधनों में राजा भी बंधा हुआ था और राजा भी उससे बाहर नहीं जा सका था आप लोगों ने यहां पर जब मनुस्मृति की क्लासेस चलती थी तो इस बात को आपने खुद पढ़ा है राजा कभी भी धर्म मुक्त नहीं हुआ और धर्म के बंधन से वो राजा हमेशा बंधा रहा हमारे लिए जो स्वतंत्रता का मीनिंग था वो केवल एक पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं है गांधी ने भी जिस पॉलिटिकल फ्रीडम की आ, को नकारा है दरअसल गांधी आइडिया स्वामी जी के एक भाषण से उदृत है हमारे यहां स्वतंत्रता का मतलब होता है मानसिक स्वतंत्रता हमारे यहां स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी और यदि हमने समय पर अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को आध्यात्मिक स्वतंत्रता के साथ जोड़ा होता तो भारत में जो जातिवाद आया या जो भ्रष्टाचार आया शायद नहीं आता बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि स्वामी जी ने अपने समय में भ्रष्टाचार का विरोध किया और पुरजोर विरोध किया था बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि स्वामी जी जिस श्लोक को बहुत मानते थे और इसके बारे में बाबू बोस बताते हैं हमें स्वामी जी आपने भी सुना होगा श्री कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय शुष्कृताम स्वामी जी इसको मानते थे जिसको बोस जी ने कहा था कि वो एक ऐसा संत है कि वह दुष्ट का पीछा नहीं छोड़ेगा अन्यथा तो उसके भीतर में एक छोटा सा बालक खेलता है ये बोस जी कहते हैं और ये सच्चाई है और स्वामी जी ने कांग्रेस को ये सलाह दी थी उस समय और इसे गांधी जी ने एक्नॉलेज किया है कांग्रेस को सलाह देते हैं स्वामी जी कि ज्यादा सरल मत बनिए थोड़ा आक्रामक होइए ये बहुत बड़ी बात थी उस समय क्योंकि उस समय की जो कांग्रेस थी वो किसी ब्रिटिश सिस्टम से गवर्न हो रही थी उस समय तक गांधी जी भी मेन लाइट लाइम लाइमलाइट में नहीं थे और उस समय स्वामी जी कहते हैं आक्रामकता आवश्यक है क्योंकि यदि आप इतने सरल रहे तो स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगी और जिस राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है विश्व में उसका मान कभी नहीं होता बोस उनके बारे में कहते हैं स्वतंत्रता का के बाद एक और उनका मुख्य शब्द था स्वराज जिसको तिलक जी ने अपने तरीके से लिया गांधी जी ने अपने तरीके से लिया लेकिन स्वामी जी स्वराज की जब बात करते हैं तो स्वयं पे राज की बात करते हैं जो भारतीय है, संस्कृति का अभिन्न अंग है और जब इसी स्वराज को वो ब्रिटेन में समझाते हैं बहुत थोड़े से लोगों की समझ में आता है जिसमें एक थी शिष्य निवेदिता उनके बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज मैं करूंगा स्वयं पर शासन इंद्रियों का नियंत्रण जिसको अभी सर ने कहा कि आश्रम और मठ ये वो केंद्र हैं जहां ब्रह्मचारियों का उदय होता है ब्रह्म समान आचरण करने वाले लोगों का उदय होता है और जब यहां ब्रह्मचर्य की बात होती है तो ये क्या है मैं बच्चों को कभी कभी बुरा लगता हूँ कि मैं आपको डांटता हूं रात हो गई है, सो जाओ इधर उधर मत घूमो ये मत करो वो मत करो लेकिन वो उस दर्शन से प्रेरित वाक्य है वो उस दर्शन से प्रेरित डांट है वो उस दर्शन से प्रेरित अनुशासन है जिसका पालन किए बिना ब्रह्मचर्य का उदय नहीं हो सकता ब्रह्मचर्य का उदय नहीं होगा तो स्वराज का उदय नहीं हो सकता और स्वराज का उदय नहीं होगा तो पॉलिटिकल फ्रीडम प्राप्त करके भी कोई लाभ नहीं होगा अब देखिए उन्नीस के बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी और एक समय तो ऐसा आया जब प्लानिंग कमीशन में भी हम ही आउट होने वाले थे सोच के देखिए यह सब क्यों हुआ क्योंकि हमारे युवाओं में अपना अपना कोई आचरण नहीं रह गया था स्वामी जी ने फिर वो कठोपनिषद को उद्धृत करते हैं बार बार और कठोपनिषद से वो एक शब्द लोगों तक पहुंचाते हैं और वो है चरित्र कैरेक्टर कैरेक्टर का आज जो हम अर्थ लेते हैं ये बहुत छोटा सा अर्थ है आज उसका अर्थ हम जेंडर या सेक्स के रूप में ही लेते हैं बस यही खत्म कर देते हैं चरित्र को लेकिन चरित्र का मतलब कमिटमेंट भी होता है चरित्र का मतलब अनुशासन भी होता है चरित्र का मतलब वो प्रेम भी होता है जिसके बारे में अभी सर बता रहे थे कि आग दोनों तरफ लगी हुई होती है उसी से प्रेम का उदय होता है ये भी चरित्र है कि आप किसी के प्रेम का संरक्षण कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं धोखा देना चरित्रहीनता है अगर भारत विश्व गुरु बनता है कहीं तो ऐसे नहीं बनता है अपनी फिलॉसफी के दम पर भी नहीं बनता है यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं भारत विश्वगुरु इसलिए बनता है कि उसके पास जो फलसफा है उसके पास जो दर्शन है वह दर्शन उसके कर्म में दिखाई देता है यही राजयोग का सार है यही कर्मयोग का सार है यही प्रेम और भक्त योग का सार है जो स्वामी जी ने हम सबको बताया और यही यही जब वो लेक्चर्स वहां देते हैं खासतौर से उनका दूसरा तीसरा चौथा लेक्चर जो होता है शिकागो में वो इसी पर आधारित है क्योंकि हमारा हमारे जो सिद्धांत है वो हमारे कर्म में परिलक्षित हुए और यदि हमारे सिद्धांत हमारे कर्म में परिलक्षित नहीं होते हैं तो हम पाप के भागी बनते हैं और यदि होते हैं तो पुण्य मिलता है अगर हमने इसको ये सोच रखा है कि देवता को एक पुष्प चढ़ाने से पुण्य मिलता है गलत है यह हमने ये सोच रखा है यह अगर ये सोचते हैं कि यदि हम बड़ा सा भंडारा करेंगे उसमें खूब नाम पैदा करेंगे और उसमें फिर कुछ लोगों को भोजन कराएंगे और उससे हमें पुण्य मिलेगा बिल्कुल गलत है और इससे संबंधित मैं आपको एक कथा भी अभी सुनाऊंगा हमारे और पश्चिम के जो तौर तरीके हैं मैं उसको बहुत संक्षेप में कहता हूं उदाहरण कुछ अजीब सा है पेट में मरोड़ ये उदाहरण का नाम है पेट में मरोड़ पेट में जब मरोड़ उठती है तो पश्चिम कहता है ये दवाई लो। इससे तुम्हारे पेट की मरोड़ खत्म हो जाएगी ये नहीं होता पेट की मरोड़ की जो सेंसेशन है वो दिमाग तक पहुंचनी बंद हो जाती है बस मरोड़ खत्म नहीं होती और यदि आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलेंगे तो वो पूछेगा घबराहट किस बात की है भगवती को याद करो पेट में मरोड़ अपने आप खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारा स्ट्रेस हमारी टेंशन हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये पेट में मरोड़ पैदा करता है आप कभी एक कुछ दिन थोड़ा सा लाइफ जीकर देखिएगा दिमाग का दर्द गर्दन का दर्द पेट की मरोड़ कम होनी शुरू हो जाएगी कुछ तो फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं लेकिन ज्यादातर एलिमेंट्स यहां के होते हैं इसलिए भारतीय संस्कृति ने हमेशा यहां पर बल दिया है और यही स्वामी जी कहते हैं कठोपनिषद में अध्याय एक वल्ली तीन मंत्र चौदह यम और नचिकेता का संवाद चल रहा है और उस संवाद में एक श्लोक आता है स्वामी जी इस श्लोक के महान उपासक हैं और सबको पता होगा ये उठेस्थित जागृत वरान प्राप्त निबोधित सब जानते हैं श्लोक को सबने सुना है सैकड़ों बार सुना है उसके आगे क्या है क्षुरस से निशिता धारा दुरत्या तत्पतः दुर्ग कव्या वदंती मैं ये लाइन को सरल बनाकर बोला हूं हालांकि यह लाइन इस प्रकार से है सुरक्षा धारा निशिता दुरत्या दुर्ग पथस्त कवो कवियो वदंती ये पूरा श्लोक बनता है और इस श्लोक के वो क्यों उपासक है यह अब आप जान लीजिए उठो जागो लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो और श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो यह श्लोक का अर्थ है हालांकि ये भिन्न भिन्न रूपों में हमारे सामने आता है लेकिन जो यम नचिकेता का संवाद है उसका जो श्लोक उसका जो मंत्र चौदह श्लोक चौदह है वो यह ज्ञानियों के साथ बैठो और उचित ज्ञान प्राप्त करो और वो ये भी कहता है श्लोक ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार दुर्गम है जिस प्रकार छुरे के पहने किए गए धार पर चलना यानी ज्ञान लेना इतना सरल नहीं है और हमने हर चीज को सरल बनाने के चक्कर में उसे तोड़ मोड़ लोड़ दिया हर चीज को सरल बनाने हमारी स्थिति क्या है ऊंची दीवार है अरे शरीर में बल पैदा करो स्वामी जी कहते हैं शरीर में बल पैदा करो और ऊंची और उससे भी ऊंची दीवार को आ जाए फांदो आधुनिक शिक्षा प्रणाली कहती है शरीर के बल को छोड़ो दीवार नीचे कर लेते हैं और ऐसे में हम उम्मीद करें कि लोहे के वज्र के समान शरीर वाले और आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी युवाओं से ये देश वो प्रोत्र होगा नहीं होगा वो शिक्षा प्राप्त करेंगे वो विद्या प्राप्त नहीं करेंगे इसलिए उनका एक उद्देश्य होगा नौकरी करना उनके उद्देश्य में राष्ट्र समाज आएगा ही नहीं हमारे शायद हम सबके शायद कह रहा हूं हम सबके संघर्ष मिला लीजिए और 18 साल के स्वामी विवेकानंद के जो संघर्ष जीवन पर्यंत अंतिम सांस तक जो चले हैं अगर आप उन सब उनको मिला लें तो शायद हमारे संघर्ष बहुत कम रह जाएंगे उसने राष्ट्र का काम किया खाने को पैसा नहीं उसने पैसा नहीं लिया और भारत के लोगों ने दिया भी नहीं क्योंकि वो टोना टोट का नहीं करता था वो देश की बात करता था वो राष्ट्र की बात करता था वो जातिविहीन समाज की बात करता था लेकिन हमारे देश को ये रास नहीं आता था बाबा साहब अंबेडकर ने खुद लिखा है एमओ मथाई जी की एक बुक है द रेमिनेसेंस रेमिनेसेंस एट नेहरू एज उसमें पेज ट्वेंटी फाइव पर मथाई अंबेडकर साहब को कोट करते हुए कहते हैं द ग्रेटेस्ट मैन इंडिया प्रोड्यूस इन रिसेंट गांधी बट स्वामी विवेकानंद इस बुक को आप पढ़ेंगे उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं सर ने तो उसमें पूरा रिसर्च करके बुक ही दी है हमको लेकिन अगर आप उसको पढ़े और उस लाइट में ये देखें तो आपकी समझ में आएगा वो कितने महान व्यक्ति हैं उन्नीस में गांधी जी भागते भागते से उनसे मिलने पहुंच जाते हैं लेकिन वो बहुत बीमार थे तो उनसे नहीं मिल पाए और उनके समकक्ष उनके उत्तराधिकारी के तौर पर यद्यपि वहां ये प्रथा नहीं थी घोषित करने की वो थी सिस्टर निवे, निवेदिता उनसे गांधी जी मिलते हैं और उनके बारे में सारी जानकारियां वो लेते हैं और उसके बाद एक बार वहां जब गांधी जी का जाना होता है तब वो नहीं थे शरीर छोड़ चुके थे तो गांधी जी कहते कह रहे थे वहां और हिंदी में बोले थे गांधी जी ने वहां कहा था कि अगर आज स्वामी विवेकानंद होते तो स्वराज मानो मिल ही गया होता बहुत आसानी से स्वराज की बात पर मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद आती है और अगर मैं ये गलत नहीं हूं तो एक बार उन्होंने कहा था कि यदि आप भारतीय संस्कृति को अग्रणी रखकर स्वराज का प्रयास करोगे तो आपको 50 साल में स्वराज मिल जाएगा और उनके कहे हुए इस वाक्य के बाद जब उस पर विधिवत प्रयत्न प्रारंभ हुए उस डेट से एग्जैक्टली पचास साल बाद हमको स्वराज प्राप्त हुआ था ऐसे ही वो एक जगह टहल रहे थे कुछ लोगों के साथ एक जगह पर जाकर वो रुक के खड़े हो जाते हैं देखते रहते देखते रहते खाली जगह थी और अचानक बोलते हैं सौ साल बाद यहां एक विश्वविद्यालय होगा एग्जैक्टली exactly सौ साल बाद वहां एक विश्वविद्यालय बना एग्जैक्टली exactly सौ ये संत की शक्ति है ये एक महान अवतार की शक्ति है हमारी आंखें ना पहचाने ये हमारी आंखों का कसूर है हमें जो चीज नहीं दिखती सोशल मीडिया ने हमें उस पर भी बोलना सिखा दिया है लेकिन शायद अभी हम उतने प्रबुद्ध नहीं हुए कि उनकी इस दिमाग की था ले सके गांधी जी अरबिंदो अरबिंदो ऋषि जी ने तो क्या लिखा था मैं एक छोटा सा वाक्य लेट हो रहे हैं आप मुझे मारे एक बहुत छोटी सी घटना आज मुझे अचानक याद आई मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा हैं अरविंदो जी सब जानते हैं उन्होंने लिखा है और ये वो लोग हैं जो जो सोचते हैं वो कहते हैं जो होता है वही कहते हैं झूठ नहीं बोलते अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कहते जाए तो जाए प्रतिष्ठा झूठ नहीं बोलेंगे अरविंदो घोष कहते हैं जब मैं अलीपुर जेल में था तो स्वामी विवेकानंद जी की आत्मा प्रतिदिन आती थी और मुझे अध्यात्म विषयक ज्ञान दिया करती थी और जितना भी मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान है यह स्वामी विवेकानंद जी की आत्मा के द्वारा मुझे बताया गया है इसलिए मैं हाथ जोड़ के लोगों से कहता हूं जो तुम्हें नहीं पता है एक अच्छे वैज्ञानिक की तरह से कहो मुझे नहीं पता है क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो सब कुछ तुम जानते हो ऐसे लोगों की था सामान्य बुद्धि से नहीं ली जा सकती अरविंदो जी ये भी कहते हैं कि एक दिन तो उनकी आत्मा ने मुझे गुरु महाराज के रूप में दर्शन दिए स्वामी रामकृष्ण परामंस जी के रूप में दर्शन दिए और मुझे लगा कि शायद वह मुझसे कुछ कह रहे हैं और जो उन्होंने कहा मैं आज तक जीवन में वही कर रहा हूं और आज मुझे कभी भी असफलता का मुंह देखना नहीं पड़ा क्या सुभाष बाबू क्या तिलक जी क्या पूजनी गोलवलकर जी मराठा अखबार निकालते थे तिलक जी उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन जो हुआ है उसका यदि कोई जनक है तो वो स्वामी विवेकानंद जी है तिलक जी कोई इतने हल्के व्यक्ति नहीं थे और उन्होंने इस बात को कुछ प्रमाण से कहा मराठा अखबार में हो सकता है इसकी कॉपी कभी मिल जाए उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा और बहुत बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि 1918 में सडिशन एक्ट आया था उस सडिशन एक्ट में इल्जाम था स्वामी जी पर देशद्रोह का इल्जाम था कि ये स्वामी जी युवक युवतों को भड़काते हैं और ब्रिटेन के साम्राज्य के प्रति युद्ध छेड़ते हैं अब आप स्वामी जी को देखने का अपना नजरिया बदलिए उस एडिशन एक्ट में उस लिस्ट में उनका नाम होना यह दिखाता है कि कितने बड़े वो स्वतंत्र वीर होंगे।, होंगे हमने उनके दो ही तीन चीजें देखी हैं अभी तक सामान्यता, एक उन कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं मेमोरी कैसे बढ़ाएं? लेकिन हमने उनकी ये चीज नहीं देखी कि उन्होंने कितना बड़ा हुजूम कि खड़ा कर दिया था इतने थोड़े से समय में इतना बड़ा हुजूम और आप लोग भी इसे समझने की कोशिश कीजिए कुछ विशेष कारणों से मैं कह रहा हूं समझिए और जो सर ने अभी कहा ना आश्रम और मठों को संजो कर रखना है हालांकि यह बहुत कठिन है सामान्य बुद्धि के लोग के दिमाग में नहीं आएगी जो वो कह गई क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं लेकिन यह बात सच्चाई है कि यदि यह गिर गए तो आपको कोई नहीं बचा सकता आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा एक दिन होना पड़ेगा कन्वर्ट आप कुछ कर लो कन्वर्ट होना पड़ेगा और अगर आप भारत के इतिहास को सात के बाद से लेकर भारत के इतिहास को अगर देखते आए हैं अगर आप में इतिहास की थोड़ी सी भी समझ है तो आपको यह पता होगा कि चाहे ताट्या टोपे हो चाहे छत्रपति शिवाजी हो चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो किसी ना किसी रूप में चाहे वो 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन हो ये आश्रमों से ही निकला है और आश्रमों ने ही इन लोगों को भी ना केवल बताया है बल्कि इन लोगों को बचाया भी है यह गलत है कि अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को मारा था सन्यासियों ने रानी लक्ष्मीबाई को बचाया था और उनके बेटे को वो अनेक सन्यासियों के गले कटे लेकिन उनके उनके बेटे को बचाकर ले गए पता नहीं चला अंग्रेजों को यहां से जाते वक्त भी कि वो है कहां इसकी ताकत को समझो सामान्य बुद्धि के लोग नहीं समझ सकते नहीं समझ रहे हैं। उस प्रशिक्षण को समझने की कोशिश करो जो गुरु महाराज स्वामी जी को देते हैं जिसके बारे में यहां पर बहुत सुंदर चर्चा की गई कि नोट एड्रेस में उसको समझने की कोशिश कीजिए आखिर कोई तो बात होगी जब स्वयं एक मोक्षगामी व्यक्ति अपने सबसे प्रिय शिष्य से कह रहा है तुम्हें मोक्ष के लिए नहीं भेजा है इस जमीन पर तुम्हें इस देश के लिए भेजा है और वह परिस्थितियां आती हैं जब तुम्हें आने वाली है जब तुम्हें दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो तैयार कर रहा है उन चीजों के लिए आप उसको समझने की कोशिश करो एक आज नाम लेने का मन कर रहा है हेमचंद्र घोष जी का हेमचंद्र घोष बंगाल के क्रांतिकारी थे ढाका में कार्यरत थे जब वो अपने युवा दिवसों में थे एक दिन स्वामी जी उन्हें बुलाते हैं इधर आओ 1901 की बात है उन्होंने कहा टीम बनाओ सुनिए एक सन्यासी क्या करता है ये जो आजकल वो जो पिक्चर दिखा देते हैं या इधर उधर की बातें कर देते हैं ना बाबा जी हैं तो ऐसे रहे कौन डिक्टेट कर रहा है एक बाबा जी को वो जो अध्यात्म को अभी नहीं जानते वो डिक्टेट कर रहे हैं समझिए एक सन्यासी को और क्यों उनके बगल में हम शेर खड़ा कर देते हैं समझिए उस साहस को उनको बुलाता है और उनसे कहता है टीम बनाओ इस टीम को एक अंग्रेजी नाम देना लिबरेशन क्लब क्लब नाम से अंग्रेज परेशान नहीं करते थे बंगाली नाम होते ही वो परेशान करना शुरू कर देते दरोगा जी रात में घर पे मिलते थे रेवोल्यूशनरी क्लब बनाया और इस क्लब ने हर उस पुलिस वाले को क्या क्या नहीं किया ज्यादा मत बुलवाइए जिसने किसी भी रूप में किसी भी क्रांतिकारी को परेशान किया था एक का तो काम भी तमाम कर दिया अटैक किया उस बिल्डिंग पर कोलकाता में जो इनविंसिबल समझी जाती थी और ढाका में ये लोग इतने एक्टिव हो गए थे इतने एक्टिव हो गए थे तीन लोग सोचिए क्या प्रताप रहा होगा इस व्यक्तित्व का जहां चार कदम किसी के कहने से लोग नहीं चलते आज वहां उस व्यक्तित्व का क्या प्रभाव रहा होगा कि उसके कहने से लोग जान देने को तैयार हो जाते थे और कहते भी नहीं थे ये बातें लोगों तक पहुंचनी जरूरी है अब उस समय आ गया है मैं भी इसे कुछ वर्ष पहले तक ये सारी बातें नहीं करता था लेकिन अब समय आ गया है कि जब आपको अपने सन्यासियों को अपने संतों को जानना होगा वो कितने अहम है और उनका क्या रोल रहा है मजाक नहीं है वो इलीगिली छू वाले लोग नहीं है वो भभूत वाले बाबा नहीं है वो लोग और खास तौर से जब हम स्वामी जी की बात करते हैं तो इस बात को एक चीज और मैं कहना चाहता हूं यहां पर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है एक कोई लाठी लाठी कुछ करके मैं देख रहा था यूट्यूब पर नहीं ये अजीब और गरीब इंफॉर्मेशन राजा राम मोहन राय जी के शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद क्या मतलब पड़ा इस बात का राजा राम मोहन राय का कौन सा ऐसा रेवोल्यूशनरी वर्क है आई एम सॉरी टू से ऐसा नहीं है मैं उनके वर्क को डिमीन कर रहा हूं लेकिन स्वामी जी का जो वर्क है कार्य है वो मौलिक है बस इतना इशारा काफी वो मौलिक कार्य है और उन्होंने अपने दम से लोगों को सत्ता के विरुद्ध खड़ा किया उससे दान में कुछ नहीं मांगा कुछ भी दान में नहीं मांगा और दान की बात आती है तो एक मुझे रॉकफेलर की का नाम याद आता है रॉकफेलर बहुत अमीर आदमी था अमेरिका में बहुत अमीर बहुत रिच अमीर, उस समय अमेरिका की जीडीपी से ज्यादा उसकी बिजनेस थी तो स्वामी जी के पास आया कहते हैं कि जब वो आता था तो प्रेसिडेंट भी खड़े होके उसको वेलकम करते थे स्वामी जी कहा संत को ज्यादा मतलब नहीं होता सिवाय उसके जो अच्छा व्यक्ति हो वो अपनी पढ़ाई में डूबे हुए थे उन्होंने इधर उधर हरकतें करी जब तो उन्होंने देखा हां बैठे बातचीत की एक अंदर से एक बच्चा रहता था उनके उन्होंने बड़ी सारी बातें करी फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं तो उन्होंने कहा अपने पैसे का दान कर दो इसे मुझसे जोड़कर ना देखे अपने पैसे का दान कर दो बोले दान कर दो मैं पैसे का कैसे दान कर दूं? बोले जो तुम्हारी मानसिक बीमारी है वो उसी से ठीक हो गई अब पहले तो वो सकते में आ गए इन्हें कैसे पता फिर कुछ समय के बाद वो मिलता है स्वामी जी से कहता है बड़ा स्टाइल से अकड़ के कि मैंने अपना पैसा दान करना शुरू कर दिया है यू मस्ट बी थैंकफुल टू मी स्वामी जी स्वामी जी ठहरे वाई शुड आई रदर यू शुड बी थैंकफुल टू मी आई गेव यू राइट वे तुम अपना पैसा सही जगह सही लोगों पे खर्च करके जो पुण्य प्राप्त कर रहे हो या जो प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हो वो इतना सारा पैसा होने पर थी क्या उसने कहा नहीं तो फिर जो तुमसे जा रहा है वो तुम्हारा कभी था भी नहीं इसलिए दान तुमने जो दिया है ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया ऐसे ही रस्ते में उन्हें जब वो यात्रा में थे जे टाटा मिले वो समझ गए कि ये आदमी काम के अपने नहीं देश के टाटा जी से वो बोलते हैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा यहां और आप बनवाएंगे उसे वो अभी तक नाम तो उन्होंने सुना हुआ था लेकिन जैसे साधु संतों की सामान्यता एक इमेज रहती है तो स्वामी जी बोले हाँ और आप ही बनवाएंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है खैर उसके बाद जब स्वामी जी आए तो उन्होंने कहा नि, इस निवेदिता से कि तुम इनके साथ बैठो बातचीत बातचीत करो रिसर्च इंस्टीट्यूट बनवाओ इस देश के लिए इस देश के लिए। उसमें वो कई मेंबर मेम्बर वो तो अपने मट कई मेंबर नहीं थे तो वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए ये दोनों लोग घूमने लगे देता जी भी वो ऐसे ही थी जैसे स्वामी जी थे उनको एनकरेज करते रहते थे तो यह तय हुआ कि मुंबई में बनेगा लेकिन मैसूर महाराज बोले कि नहीं नहीं जमीन मैं दे रहा हूं आपको तो खैर वो बहुत लंबी चौड़ी कथा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा बड़ी रुचिकर भी है अल्टीमेटली इन दोनों के प्रयास से वो रिसर्च इंस्टीट्यूट बना बेंगलुरु में और उसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पूरी दुनिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। यह है एक संत का विजन 30 जुलाई को जब वो पहुंचते हैं अट्ठारह तिरानवे में बहुत भद्दी तरीके से उनसे व्यवहार हुआ है ईटे खाई हैं उन्होंने बच्चों ने ईटे मारी हैं पहनने को कपड़े नहीं थे खाने को रोटी नहीं थी कोने में छिप जाते थे सर्दी शिकागो की सर, भयंकर सर्दी कोने में छिप गए कि यहाँ सर्दी से भी बचूंगा और ये जो बच्चे मतलब यूथ जो थे वहां वो मुझ पर ईटे मार रहे थे ऐसे टोंट्स मार रहे थे पत्थर फेंक रहे थे उनसे भी बचूंगा ठुठते हुए मार रहे किसी ने पूछा तुम चले जाओ बोले नहीं बोले इतना कष्ट क्यों सह रहे हो बोले मेरा कष्ट कष्ट रहेगा नहीं क्योंकि ये मेरा काम नहीं है ये दो लोग का काम है ये काम मेरे गुरु का है जो वो भारत माता के लिए मुझसे करवा रहे हैं इसलिए मेरा कष्ट खत्म हो जाएगा जल्दी और अब देखिए क्या चमत्कार होता है कि जिस जगह परिचय पत्र के बिना कक्ष में नहीं आ सकते थे वो मंच पे पहुंच गए साढ़े सात हजार लोगों के सामने जब वो कहते हैं माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका वो जो स्पंदन है वो जो स्पंदन फैलता है वहां यह है इस देश का सिविलाइजेशन यह है इस देश की आध्यात्मिक शक्ति और केवल यही नहीं उसके बाद छह और भाषण उनके होते हैं और उन छह भाषणों में जिसमें सर ने भी अभी पॉइंट आउट किया किताब वाला जिक्र और इन छह भाषणों में पूरी दुनिया को उन्होंने वो संदेश दे दिया वो कितने प्यार से पूरी दुनिया को धमका भी गए और ये भी कह दिया रिमेन अलर्ट हम कोई वो नहीं है जो मैक्समुलर कह के गया है और बाद में मैक्समुलर से भी मिलते हैं और मैक्समुलर को कंपेल कर देते हैं उसकी ओपिनियन चेंज करने पर और बाद में वही मैक्समुलर कहता है आपके गुरुजी पर मैं किताब लिखूंगा बहुत सारी बातें हैं मैं सिर्फ यदपि तो मेरा काम व्यास है लेकिन शायद इमोशंस में बह गया और थोड़ी गलती सर आपकी भी है आपने इतना सुंदर भाषण दिया कि उससे तार से तार में भी जोड़ बैठा और <laughs> सर का सर कितने डाउन टू अर्थ है कह रहे थे मैं नहीं आऊंगा हमारे सबके तो हाथ पे फूल गए मैं सर किया ऐसी बात तो बोले मैं ऑथोराइज ही नहीं उन पर बोलने का मैं आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट टू स्पीक ऑन हिम और देखिए क्या बोल गए आश्रम <laughs> के जो विद्यार्थी वर्ग है युवाजन है या बाकी सभी बुजुर्ग हैं जो उनको गाइड करते हैं उनका संरक्षण करते हैं या जितने लोग बैठे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं उन्हें ये मॉडेस्टी सीखनी चाहिए ऐसी सलाह मैं देता हूं। अंतिम बात आंखें जो हमारी हैं वो तो वही हैं और वो वही रहेंगी उन्हें हम बदल नहीं सकते लेकिन उन आंखों से सपना कितना बड़ा देखना है ये हम तय कर सकते हैं और एक व्यक्ति ने जिसपे चप्पल भी नहीं थी किताबें भी नहीं थी रोटी भी नहीं थी पानी भी नहीं था अजमेर की सड़क पर भूख के मारे चक्कर खाकर गिर गया था जिसके इतने दुश्मन थे कि वो एक बार हंसते हुए कहता था मैं लिख भी नहीं सकता किताब लिखना मेरे लिए आसान है तो वो लिखते भी नहीं थे किताब लिखना बहुत आसान है लेकिन दुश्मन की लिस्ट नहीं लिख सकता किस किस चीज की प्रताड़ना उन्हें नहीं मिली लेकिन उस व्यक्ति की आंखें और उस व्यक्ति की दृष्टि वो इतनी विशाल थी उस व्यक्ति व्यक्ति की सोच इतनी विशाल थी कि उसने वो पाकर इस देश के लिए वो पाकर दिखा दिया जो शायद स्वप्न में भी बहुत सारे लोग सपने नहीं देख पाते होंगे ऐसे स्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं सोशल मीडिया से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको प्रणाम करता हूं ये दिवस याद रखने की आवश्यकता है और अद्यतन समाज में तो और भी अधिक है और आज जिनके ज्ञान से हम सब अभिभूत हैं ऐसे अपने शिक्षक अपने बड़े भाई हमारे चेयरपर्सन प्रोफेसर संगीत रागी जी को भी मैं पुनः प्रणाम करता हूँ ओम बहुत बहुत साधुवाद गुरुजी। हम सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं जो 11 सितंबर की इस पूर्व संध्या के दिन दो खाटी राष्ट्रभक्त प्रोफेसर से यह जानने को मिला यह समझने को मिला कि इतिहास क्या था वर्तमान की स्थिति क्या है और उनसे हमें होमवर्क रूपी एक्शन प्लान भी मिला है हमें अपने आश्रम मठ मंदिरों की को सशक्त बनाना है और साथ ही अपने आचरण में अध्यात्म को परिलक्षित करना है जिससे वह आज वह अध्यात्म को हम आगे ले जा सके दुनिया विश्व भर में ले जा सके इस कार्य पे हम सब लोग जुटेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूँगा हमारी आदरणीय गुरु माँ से कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित करें गुरु माँ मां भारती को प्रणाम हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और आप सभी को राम राम जो दायित्व मुझे गर्वित ने सौंपा है उस दायित्व से पहले माइक मिला है तो फायदा उठाना ही चाहिए और अब कोई छीन भी नहीं सकता तो सबसे पहले जो इंडिया गेट पे सुभाष जी की मूर्ति लगी है उसमें जो हिडन रूप से जो लोग नहीं जानते आपके गुरु जी का योगदान है उसके लिए आप सबको बधाई अब मुझे पता है कि इस दुस्साहस का अंजाम मुझे भुगतना है पर सरतन से जुदा हो भी जाए तो भी मुझे कहना है गुरु जी को बड़ा संशय है कि वो प्रोफेसर संगीत रागी जी को क्या कह के संबोधित करें पर मुझे बिल्कुल संशय नहीं है क्योंकि मैंने आपको हमेशा भैया के रूप में ही देखा है और इसलिए मैं संशय विहीन हूँ <laughs> क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी अभी भी वो इवनिंग वॉक कंटिन्यूड है कि नहीं है पर अब नहीं है व्यस्तताएँ बढ़ गई हैं लेकिन मैंने हमेशा देखा है अक्सर ऐसा होता था कि भैया की इवनिंग वॉक हो रही होती थी नाइट वॉक बल्कि और मेरी भी हो रही होती थी तो कभी भैया रास्ता दे देते थे कभी मैं रास्ता दे देती थी तो भैया से तब से परिचय है तो मैं किसी संशय में नहीं हूँ अब आ, धन्यवाद देने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी आपने जिस बच्ची को देखा था जो आई के डिपार्टमेंट ऑफ भारत स्टडीज़ के कोऑर्डिनेटर है मिस पलक अग्रवाल मैं उसको बुलाना चाहूंगी ये एक मौका है और उस मौके को मैं फिर से नहीं छोड़ूंगी मौका क्या है कि जो यंग मूव्स मैगजीन फॉर गेम चेंजर्स आज उसका री लॉन्च है एक नए कलेवर में एक नए रूप में डेफिनेटली कुछ नए आर्टिकल्स के साथ अब वो क्या है कैसे है देन हु नोज द बेबी बेटर देन द मदर तो इसलिए पलक बताएंगे उस मैगज़ीन के बारे में फिर गर्वित के आदेश का पालन मैं भारती को प्रणाम करती हूँ अपने ईष्ट के चरणों में प्रणाम करती हूँ और अपने गुरुदेव डॉक्टर पवन सिन्हा गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ आपका बहुत बहुत साधुवाद माँ आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया लेकिन एक्चुअली इसकी जननी मैं नहीं हूँ इसकी माँ मैं नहीं हूँ ये पूरा विज़न और कार्य सिर्फ गुरु जी का है और उन्हीं का है आज गुरु जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि समय समय पर संत आते हैं जो हमें वापस से अपनी चीज़ें याद दिलाते हैं तो ये मैगज़ीन सिर्फ उसी का एक माध्यम है जो गुरुजी ने हमें सिखाया है हमें बताया ये सिर्फ उसका माध्यम है और इसको लॉन्च करने के लिए मैं प्रोफेसर संगीत रागी जी को गुरुजी को और गुरु माँ को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी हालांकि आज यहाँ पे इसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं आई हूँ लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद इतना सा है और जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप सब लोगों का है जो आपने इसमें इतने अच्छे इंफॉर्मेटिव इंसाइटफुल एनालिटिकल आर्टिकल्स लिखे हैं इतनी अच्छे इलास्ट्रेशन इतनी अच्छी फोटोज़ दी हैं जिससे हम इसे शायद आगे एक इंटरनेशनल मैगजीन बना पाए जब गुरु जी ने ये मैगजीन स्टार्ट की थी तब आ, मैं बहुत छोटी थी मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज हुई थी और मुझे मैगजीन की एडिटिंग का ई भी नहीं आता था और वो अभी भी नहीं आता है मैं सिर्फ सीख सीख के कर रही हूँ लेकिन तब मुझे इसका विज़न नहीं पता था धीरे धीरे जब मैंने चीज़ें पढ़नी शुरू करी तब मुझे एक विज़न समझ आया कि स्वामी जी ने प्रबुद्ध भारत की शुरुआत की थी क्रांति के लिए गांधी जी ने यंग इंडिया की शुरुआत की थी क्रांति के लिए और गुरु जी ने यंग मूव्स की शुरुआत की है उसी क्रांति के लिए इस मैगजीन में अब मैं अब मैं थोड़ा सा आ, अपने एजेंडा पे आ जाती हूँ इस मैगजीन में बहुत सारे स्लग्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स हैं इंडिया दिस मंथ है वर्ल्ड दिस मंथ है दिस हैं जिसमें आप एनालिटिकल बातें कर सकते हैं इसमें स्पिरिचुअलिटी पे आर्टिकल्स हैं तो इसमें यूथ पर भी आर्टिकल्स हैं और उस सब के लिए आई वेलकम यू टू कॉन्ट्रीब्यूट टू यंग मूव मैगजीन इन द फ्यूचर आप लोग का जो भी मन करे लिखने का बस हमारी एक ही शर्त है कि वो भारत सेंट्रिक व्यू से होनी चाहिए क्योंकि जब हम भारत के लोग हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत की कहानी सुनाएं भारत की गाथा सुनाएं लेकिन सुनानी पूरी दुनिया को है क्योंकि जैसे स्वामी जी ने अकेले जाके शिकागो में भारत का परचम लहराया था सनातन धर्म का परचम लहराया था हिंदुत्व का परचम लहराया था वैसे हम सबके पास भी हमारा कलम है हमें किसी तलवार की ज़रूरत नहीं है वो कलम काफ़ी है हमारी बात आगे पहुँचाने के लिए इसी बात के साथ राम राम नमस्कार भारत माता की जय पलक का जो ये पेटेंट स्टाइल है इसी बात पे राम राम नमस्कार भारत माता की जय तो मुझे इससे एक बात याद आई भैया आपको बताती हूँ एक आश्रम का एक यंग मूव्स मीडिया करके यूट्यूब चैनल है उस पर पलक का एवरी संडे रात में शो आता है कोर इश्यूज उसमें सारे समसामयिक विषयों को हिंदुज़्म और राष्ट्र से जोड़ के वो रिसर्च करके प्रेजेंट करती हैं ये बहुतों को नहीं पता होगा यूट्यूब पे बहुत सारी गालियाँ भी खाती है अब जब गालियाँ तो मिलेंगी ही ऐसे कामों पे जो वो मेडल्स की तरह वेयर करती है ये सबको पता है क्योंकि YouTube कमेंट्स सबको विजिबल होते हैं पर इस रक्षाबंधन पर एक व्यूअर ने इसको राखी भेजी है पलक बहन के लिए राखी एक भाई के लिए एक भाई की तरफ से क्योंकि ये बहन देश की हिंदुत्व की रक्षा का कार्य कर और uh, क्रिपी को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन्स और साधुवाद कि क्रिपी इस पूरी मैगजीन में जितने इलास्ट्रेशन्स हैं क्रिपी हैं यहाँ पे अच्छा क्रिपी कहीं गई है मुझे याद है बुलंदशहर गई हैं शायद हाँ अपने कॉलेज की तरफ से तो उनका भी इस मैगजीन में वो भी विद्यार्थी वर्ग की स्टूडेंट हैं और इस मैगजीन में आप जितने भी इलास्ट्रेशन देखे हैं दे आर नॉट फ्रॉम द नेट दे आर मेड बाय कृपी तो अब मैं बात करती हूँ आपकी धन्यवाद ज्ञापन की तो बारवा ज्ञानोत्सव इस बारहवें ज्ञानोत्सव ने बहुत कुछ विटनेस किया है मैनेजिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आप में से बहुतों को याद होगा उस पर एक दो दिन का सेमिनार जिसको चेयर किया था सी के चेयरमैन ने जिनका नाम था श्री विनीत जोशी जी और उन्होंने आश्रम की इस रिकमेंडेशन उस सेमिनार की कंक्लूजन से सीबीएसई में वैल्यू एजुकेशन को सिलेबस का एक पार्ट बनाया था तो ये वो आश्रम है रिमाइंडर्स ऑलवेज आर नेसेसरी ये हम सबको पता है हमारा आश्रम है बट रिमाइंडर्स आर ऑलवेज नेसेसरी वहां से ये शुरू होते होते मोबाइल फिल्म फेस्टिवल आया एक आश्रम द्वारा मोबाइल का प्रयोग फिल्म बनाने के लिए क्रांतिकारी स्टेप बट ओरिएूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एंड यूथ बिल्डिंग फिर आया एन वाई एस नेशनल यूथ समिट यही वो ज्ञानोत्सव का दिन है जिस दिन ऋषिकुल शाला के विस्तार का उद्घाटन हुआ था महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से Okay. तो गुरु जी ने एक बात कही थी स्वामी जी ने कहा था आ, उठो जागो और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करो तो आज हमने दो दो ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त किया अच्छा एक ही ज्ञानी का सानिध्य प्राप्त किया लेकिन आश्रम का हर एक व्यक्ति ये बात जानता है कि अगरबत्ती की सिर्फ खुशबू बदली है अगरबत्ती वही है क्योंकि दोनों ने एक सी बात कही है तो अब यह भी एक बड़ा मतलब किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति है आश्रम में धन्यवाद की परंपरा नहीं भैया को मैं भैया कहती हूँ तो धन्यवाद दूँ किसका लेकिन फिर भी आपने समय निकाला और आप यहाँ आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुनः जल्दी आइएगा और साथ में रीना भाभी को भी लाइएगा आश्रम के बच्चों का परिवार सदस्यों का धन्यवाद देना बनता नहीं ये उनका फर्ज है पीपी -पी टीम ने उनका फर्ज है कि वो हमको जोड़ें सोशल मीडिया से तो सब अपने अपने फर्ज ऐसे ही निभाते रहें भगवती के चरणों में यही प्रार्थना है इसी के साथ भारत माता की जय